राघव को पाने के लिए रात्रि की कोशिशें जारी हैं। राघव के करीब जाने के लिए रात्रि ने अवि को अपना मोहरा बनाया है। जी हाँ, आज अपना रूप बदल कर रात्रि राघव के घर आ गई है, क्योंकि रात्रि की एक ही तमन्ना है कि वो किसी भी तरह राघव के करीब चली जाए। ऐसे में रात्रि ने ऐसा प्लान बनाया है जिससे अभी की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं है। देखिए तो जरा, हाफ जोकर हाफ चार्ली चैपलिन बनकर आ गई है रात्रि। राघव के घर के बाहर प्रॉपर सर्कस वाला माहौल बना दिया है, जहां रात्रि सबके साथ मिलकर बम बम बोले गाने पर परफॉर्म कर रही है। गेटअप के साथ इसको इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारे हमने जगलर्स बुलाए हैं, हमने डांसर्स बुलाए हैं, सब कुछ मतलब पूरा एम्बियंस क्रिएट किया है कि किसी भी तरह ये मेरी अभी मुझसे पट जाए। बाकी तो उसका काम क्या करना है वो तो मुझे पता है। खास बात तो ये है कि ये गाना अभी का फेवरेट है, तभी तो अभी इतनी एक्साइटेड नजर आ रही है। पहले तो अभी ये नज़ारा ऊपर से ही देखती है, फिर बाद में रात्रि के साथ ये मूवमेंट एंजॉय करती है, और अभी को खुश देखकर राघव और बाकी घर वाले भी बेहद खुश हो जाते हैं। भाई अभी की खुशियाँ देखकर कहना गलत नहीं होगा कि रात्रि की मेहनत रंग लाई है। अभी को खुश करने के लिए, सच में इसको इम्प्रेस करने के लिए अगर ये नहीं पटेगी मुझसे तो फिर इसके पापा कैसे पटेंगे। तो इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, इतना आसान नहीं है, बहुत गुस्सा रहती है मेरे से। ऑफकोर्स अपनी मम्मा से बहुत ज़्यादा प्यार था, रात्रि आंटी उसकी जगह लेने वाली है, तो कैसे ये इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर सकती है। सो पूरी जद्दोजहद से बहुत क्या कहते हैं, ज़मीन आसमान एक करके कोशिश कर रही हूँ उसको इम्प्रेस करने की। आई होप ये पट जाए मेरे से और फिर आगे। तो आज रात्रि का लुक भी काफी फनी है, ऐसे में रात्रि से इस लुक के बारे में जानना तो बनता है ना। सो लुक के बारे में ये है कि आज मैं चार्ली चैपलिन और जोकर का मिक्सचर बनी हुई हूँ। मतलब इसको जोकर पसंद है तो जोकर ही सही, चार्ली चैपलिन पसंद है तो वही सही, मतलब किसी भी तरह जस्ट ये पट जाए, इसलिए मैं पूरी तरह जोकर बन के आई हूँ, है ना। आप जोकर नहीं बनोगे? फिर मूछ आंटी बनोगे? मूछ आंटी बन के आई हूँ, पट रही है, काम हो रहा है मेरा। वेल, अब देखना ये होगा कि रात्रि कैसे होती है अपने इरादों में कामयाब, और क्या रात्रि की हरकतों से अभी उनकी ओर खींची चली जाएंगी। इन सारे सवालों के जवाब के साथ हम जल्दी लौटेंगे। मुंबई से शिल्पा पाटिल की रिपोर्ट, E24।